डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर से इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करना मीन्स जो लिक्विड में न घुलने वाले सॉलिड हो उसको सेपरेट करना, जिसमें हम लोग पढ़े थे सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन। आज हम लोग को पढ़ने हैं फिल्ट्रेशन। ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेनिंग टी वाइल पोरिंग इट इन अ कप। यू विल सी दैट द टी लीव्स रिमेन बैक ऑन द स्ट्रेनर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। आप देखेंगे कि चाय बनाने के बाद चाय को जब हम फिल्टर करते हैं, छानते हैं छन्नी से, जो तो टी लीव्स स्ट्रेनर में छन्नी में रह जाता है और बाकी चाय दूसरे कंटेनर में पॉर हो जाता है, बह जाता है। तो यह एक एग्जांपल है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच टू फाइन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग दो फाइन मीन्स छोटे छोटे इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा, फिल्टर पेपर का यूज करके। इन दिस प्रोसेस द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन्ड इन द फिल्टर एंड लिक्विड पासेस थ्रू इट। इस प्रोसेस में इनसॉल्युबल सॉलिड मीन्स जो न घुलने वाले सॉलिड हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वे फिल्टर में ही रह जाते हैं एंड जो लिक्विड हैं वो पास हो जाते हैं फिल्टर के थ्रू दूसरे कंटेनर में। द लिक्विड ऑब्टेंड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। फिल्टर के बाद जो लिक्विड प्राप्त होता है उस लिक्विड को कहते हैं फिल्ट्रेट। इन लेबोरेटरीज वी यूज फिल्टर पेपर फॉर फिल्ट्रेशन। लेबोरेटरी में भी हम लोग फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लोडिंग। इफ द पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड आर वेरी फाइन दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल। अगर पार्टिकल्स इनसॉल्युबल सॉलिड का, जो न घुलने वाले सॉलिड हैं, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हो तो उसको सेटल होने में लॉन्ग टाइम लगता है। टू फास्टेन द सेपरेशन इन सच केस लोडिंग मेथड इज यूज्ड। तो इस टाइम को बचाने के लिए कि वो जल्दी सेटल हो जाए, जल्दी सेटल होने के लिए हम लोग लोडिंग मेथड का यूज करते हैं। दस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरी फाइन पार्टिकल्स। इस प्रकार द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरी फाइन पार्टिकल्स हेवियर सो दैट दे कैन सेटल फास्ट इज टर्म्ड एज लोडिंग। इस प्रकार हम लोग इस प्रोसेस से फाइन पार्टिकल को हेवियर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो हल्के पार्टिकल होते हैं उसको भारी बनाते हैं और उसको जल्दी से सेटल होने के लिए मजबूर कर देते हैं, मीन्स वह जल्दी से सेटल हो जाता है। तो इस टर्म को हम लोग यूज करते हैं लोडिंग। इसको हम लोग लोडिंग के नाम से जानते हैं। द लोडिंग इज़ यूज टू स्पीड अप द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं उसको नीचे सेटल करना पड़ता है। तो सेटल होने में वो थोड़ा सा हेवी रहता है, जिसके चलते जल्दी सेटल हो जाते हैं, लेकिन
जो हेवी नहीं हो, फाइन पार्टिकल्स हो, तो उसको सेटल होने में टाइम लगेगा, जिसके कारण हम लोग लोडिंग मेथड का यूज करते हैं। तो लोडिंग मेथड सेडिमेंटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है, मीन्स गति देता है और जल्दी से करने के लिए प्रेरित करता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स इज मडी। आप सभी देखते ही होंगे कि पॉन्ड, रिवर, लेक्स, इन सब जगहों पे वाटर कैसा होता है, मडी होता है। दे कंटेन वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स दैट डू नॉट सेटल ईजिली। इसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिक्स रहते हैं, जिसके कारण वो आसानी से सेटल नहीं हो पाते नीचे। टू सेपरेट देम, इसको सेपरेट करने के लिए, दिस पार्टिकल्स आर लोडेड बाय द एलम। इन पार्टिकल्स को एलम के द्वारा लोड करते हैं। अ स्मॉल पीस ऑफ एलम इज सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर में एलम के एक छोटे से टुकड़े को सस्पेंड करते हैं, लगाते हैं, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। ये एलम है, एलम मीन्स होता है मरकरी। मरकरी जो सेविंग करते समय पेरेंट्स लोग को आप देखे होंगे, सेविंग करने के बाद एक वाइट कलर का सॉलिड शेप में स्किन पे, फेस पे लगाया जाता है, उसको कहा जाता है एलम। तो उसको लटकाया जाता है वाटर में। एलम डिजॉल्व इन वाटर इजिली। एलम वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। द डिजॉल्व्ड पीस ऑफ एलम लोड्स द लाइटर डस्ट पार्टिकल्स। एलम लाइटर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को अपने ऊपर लोड कर लेता है। दिस लोडेड पार्टिकल सेडिमेंट्स फास्टर एंड देन द प्यूरिफाइड वाटर कैन बी कलेक्टेड बाय डिकेंटेशन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एलम सारे डस्ट पार्टिकल को सेटल कर लिए हैं और जो क्लियर वाटर है ऊपर की ओर तैर रहा है। तो सेडिमेंट को बहुत जल्दी लोड कर लेता है एलम। उसके बाद जो प्यूरिफाइड वाटर है कलेक्ट कर लिया जाता है डिकेंटेशन से। डिकेंटेशन मीन्स आप समझ सकते हैं, फिर दूसरे कंटेनर में क्लीन वाटर को ट्रांसफ़र कर लेना। सेपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स। अब हम लोग को पढ़ना है, सोल्यूबल सॉलिड मीन्स जो लिक्विड मिक्सचर में आसानी से घुल जाता है, उस टाइप के सॉलिड के बारे में, और उस सोल्यूबल सॉलिड को सेपरेट करना। सम सॉलिड इम्प्योरिटीज रिमेन कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज होते हैं जो वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। वी कैन नॉट सेपरेट देम बाई यूजिंग कॉमन मेथड्स। इसे हम कॉमन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू सेपरेट देम। नीचे दिए गए मेथड्स के थ्रू हम लोग इस इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं। इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वैसा प्रोसेस है लिक्विड को हीट करने के बाद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इवेपोरेशन से लिक्विड को हीट करने के बाद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स वाटर को हीट करेंगे तो वह वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली इन नेचर वेयर वर वाटर इज प्रेजेंट। नेचर में इवेपोरेशन हमेशा होते रहता है। जहाँ भी वाटर प्रेजेंट हो वहाँ इवेपोरेशन
हमेशा होते रहता है। यू कैन ऑब्जर्व इट बाई टेकिंग सम वाटर इन अ बॉल मिक्स्ड विथ अ स्पूनफुल ऑफ शुगर और सॉल्ट। हम इस मेथड को कर सकते हैं। एक बॉल लेंगे, मीन्स एक कटोरा लेंगे, उसमें एक स्पूनफुल चम्मच, मतलब छोटे से चम्मच से शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर देंगे। कीप द बॉल इन एन ओपन एरिया वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ सनलाइट। उस बॉल को ऐसे जगह पे रखेंगे, खुले जगह पे रखेंगे जहाँ बहुत सारा सनलाइट प्राप्त होता हो। ऑब्जर्व द बॉल आफ्टर एन आवर, एक घंटे तक उस बॉल को ऑब्जर्व करेंगे। यू विल सी डैट, आप देखेंगे कि ऑल द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड। जितने भी सारे वाटर रहेंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे और शुगर और सॉल्ट का क्रिस्टल सिर्फ उस बॉल में बच जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। सॉल्ट लेफ्ट आफ्टर इवेपोरेशन, सिर्फ सॉल्ट बच गया है, बाकी सारे इवेपोरेट हो गए हैं। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इंटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वैसा प्रोसेस जो वाटर वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता हो, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। वाटर वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना कंडेंसेशन कहलाता है। व्हेन वी बॉयल वाटर इन अ वेसल एंड कवर्ड इट विथ प्लेट वी फाइंड द वाटर ड्रॉप्स अंडर द प्लेट। जब हम बॉयल वाटर को एक वेसल में लेंगे और उसे एक प्लेट से कवर्ड कर देंगे, ढक देंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वाटर ड्रॉप्स उस प्लेट के ऊपर आ गया है। द वाटर वेपर गेट्स कंडेंस्ड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में कंडेंस्ड हो गया है, जम गया है। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज आल्सो प्रेजेंट इन एयर कंडीशनर। कंडेंसेशन प्रोसेस को एयर कंडीशनर मीन्स एसी में भी देखा जाता है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये गर्म केतल है, इसमें वाटर गर्म है और इसको प्लेट से ढक दिया गया है। इसके बाद इसमें से जो वाटर वेपर निकल रहे हैं, वाटर वेपर निकलने के बाद इस प्लेट पे जाएंगे और इस प्लेट पे जाने के बाद फिर ये कंडेंस होकर मीन्स ठंडा होकर और फिर ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना ही कंडेंसेशन कहलाता है। थैंक यू।